फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिम्फर की जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। सिम्फर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। इस पे जो अभी आपको पता है कि इंटरव्यू होने वाला है धनबाद में, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट या प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, तो आज मैं आपको वही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे हमारा इसमें पहला जो बेसिक टॉपिक्स होंगे, जो बेसिक यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपके रॉक्स। रॉक्स से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको रॉक्स से रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चंस हैं वो कराने वाली हूँ। सबसे पहला है मिनरल्स, कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हैव इनडिफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली में मिलने वाले, नेचर में मिलने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिनका कि अपना एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का हार्डनेस स्केल। तो मिनरल्स में आप एक दो नाम देख लीजिए एग्जांपल की, अगर आपको पूछा जाएगा तो। उसके बाद हार्डनेस स्केल पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको आपका हार्डनेस स्केल आपको पता है कि 1 से 10 तक होता है। एक आपका टाक का होता है, दूसरा आपका जिप्सम, थर्ड कैल्साइट, फोर्थ फ्लोराइट, फिफ्थ एपेटाइट, सिक्स ऑर्थोक्लेज, सेवन्थ क्वार्ट्ज, एट टोपाज, नाइन्थ कोरंडम एंड 10 डायमंड। यानी कि टाक जो होता है वो आपका सबसे सॉफ्ट और डायमंड जो होता है वो आपका सबसे हार्ड होता है, ठीक है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, हार्डनेस स्केल ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है रॉक्स। तो रॉक क्या होता है। रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स का एक समूह को हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 types of rock। आप सबको पता है कि 3 तरह के रॉक होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक, यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स में नो फॉसिल्स यानी एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स होता है, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक है। इसी वजह से इसमें आपको फॉसिल्स जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। प्राइमरी रॉक है कहने का मतलब कि जब मैग्मा के ठंडे होने के कारण ये बनता है ना, जब वह मैग्मा से ठंडे होने के कारण बन रहा है तो उसमें फॉसिल्स, एंड फॉसिल्स क्या होते हैं, किसी जीव जंतु के अवशेष होते हैं, तो वो उसमें कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स, दीज आर द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा ईदर अंडरनेथ द सर्फेस और अबव इट। तो इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स क्या होता है, जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से, उसके ठंडा होने के जमने की वजह से बनता है अर्थ सर्फेस पे या अर्थ सर्फेस के नीचे, तो उसे ही हम इग्नियस रॉक कहते हैं। उसके एग्जांपल है गैप्रो, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 types। इग्नियस रॉक 2 तरह के होते हैं। पहला है इंट्रूसिव बॉडीज, दूसरा है एक्सट्रूसिव बॉडीज। तो इंट्रूसिव बॉडीज क्या है, विच आर फॉर्म अंडरनेथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ सर्फेस के नीचे जो बनते हैं, इग्नियस रॉक बनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव बॉडी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ग्रेनाइट और गैब्रो। उसी तरह एक्सट्रूसिव क्या है, दीज आर ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मैग्मा जब अर्थ सर्फेस के ऊपर ठंडा होकर के जम करके एक रॉक का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव बॉडी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बेसॉल्ट। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला है जनरली हार्ड, मैसिव, कॉम्पैक्ट विद इंटरलॉकिंग ग्रेन्स। तो ये हार्ड होता है, मैसिव होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और उनके ग्रेन्स एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलॉक यानी इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इंटायर एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स, इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, और मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं पाया जाता है। फिर एब्सेंस ऑफ बेडिंग प्लेन्स, इसमें बेडिंग प्लेन्स भी नहीं पाए जाते हैं,
और इसका कारण भी सेम है कि बेडिंग प्लेन्स में क्यों नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। द इंट्रूसिव बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। जो इंट्रूसिव बॉडीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कि डेप्थ के आधार पे जो इंट्रूसिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी प्लूटोनिक और हाइपरबेसल। तो प्लूटोनिक का मतलब होता है कि जब जो रॉक है बहुत ज़्यादा गहराई पे, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, तो उसको प्लूटोनिक कहते हैं ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और हाइपरबेसल मतलब कि जब वो अर्थ सरफेस के क्लोज में, नज़दीक में जब फॉर्म करता है मैग्मा, सॉलिडिफाई होकर रॉक बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरबेसल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे है कि आपका जो इंट्रूसिव बॉडीज है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला है डिस्कॉर्डेंट बॉडीज और दूसरा है कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज। ये आपका साइज शेप के आधार पे है, ठीक है। तो डिस्कॉर्डेंट बॉडीज किसको बोलते हैं, द डिस्कॉर्डेंट बॉडीज आर दोज विच कट थ्रू द ओवरलाइंग स्ट्राटा। यानी कि डिस्कॉर्डेंट बॉडीज वो है जो कि आपका ओवरलाइंग स्ट्राटा या पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसको कट करके निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है पैथोलिथ, स्टॉक्स एंड डाइक्स, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज, एंड द कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज आर दोज विच लाई बिटवीन रॉक बेड्स, ठीक है। तो कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज वो होते हैं जो कि रॉक बेड्स के बीच में लाई करते हैं, यानी कि रॉक बेड्स अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका कॉन्कॉर्डेंट बॉडी भी इसी डायरेक्शन पर ही आपका फॉर्म करेगा, ठीक है। ये होता है और ये सब कट कहीं पे भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मतलब बेड्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी की डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल है तो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी की डायरेक्शन भी वर्टिकल होगी, और अगर बेड्स इंक्लाइंड है तो कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज भी इंक्लाइंड होगा, ठीक है। ये कहीं पे भी एक्स्ट्रा कट नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है सिल्स, लैपोलिथ्स एंड लेकोलिथ्स, ठीक है। तो बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ्स आर लार्ज इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, मतलब ये बहुत बड़े क्षेत्र में जब इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज बनते हैं ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ्स। एंड देयर डायमीटर इज यूजुअली 100 किलोमीटर और मोर, उसका डायमीटर 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। एंड देयर आउटक्रॉप एट द सर्फेस इज रफली सर्कुलर और ओवल, और जो सर्फेस पे उसका आउटक्रॉप बनता है वो सर्कुलर, रफली सर्कुलर, सर्कुलर यानी कि हल्का सा वृत्ताकार लगेगा लेकिन रफली टाइप का, ठीक है, और ओवल शेप का बनता है। एंड द कंपोजिशन ऑफ पैथोलिथ इज यूजुअली ग्रेनिटिक और ग्रेनोडायरेटिक, और इसका कंपोजिशन जो रहता है पैथोलिथ का वो ज़्यादातर आपको ग्रेनिटिक और ग्रेनोडायरेटिक में मिलता है, ठीक है। फिर स्टॉक्स क्या होता है, पैथोलिथ्स ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉलर डायमेंशंस आर कोल्ड स्टॉक्स। तो जब पैथोलिथ्स होते हैं उसका जब स्मॉल डायमेंशन होता है, यानी छोटे पैथोलिथ्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो छोटे पैथोलिथ्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक्स कहते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। फिर है डाइक्स। डाइक्स क्या होता है, अ डाइक इज अ वॉल लाइक इग्नियस बॉडी दैट कट अक्रॉस द, सॉरी दो बार लिख दिया है, दैट कट अक्रॉस द स्ट्राटा ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक को जो एक वॉल लाइक बॉडी कट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। यानी अगर आप इसे इजी वे में समझेंगे तो कोई भी मैग्मा जो कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे आपका बेड्स के डायरेक्शन मान लीजिए ये है, तो कोई भी मैग्मा जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कंसोलिडेट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डाइक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिस्कॉर्डेंट, और डिस्कॉर्डेंट में और भी बहुत सारे हैं पर मैं सभी को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं बस मैं उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने जो अपलोड किया है वीडियो इग्नियस रॉक्स वाला, वहाँ जा कर के आप इसे एक बार देख लीजिएगा,
क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट में मैंने सिर्फ एक ही पर डिस्कस किया है, वो है सिल पे, क्या होता है सिल्स। अ सिल इज अ सीट लाइक इग्नियस बॉडी विच रन्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्राटा। तो मैंने पहले से बताया था कि सिल जो होता है वो क्या होता है, सीट के जैसा इग्नियस बॉडी होता है जो कि आपका बेडिंग प्लेन होता है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्राटा का, उसके पैरेलल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इस तरह का, है ना। तो दे मे बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन और वर्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द एटीट्यूड ऑफ स्ट्राटा इन विच दे आर इंक्लूडेड। यानी कि आपका प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक है उसका बेडिंग किस तरह है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, इस पे ही आपका जो सील है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सील्स आर कॉमनली मेड अप ऑफ डोलोराइट एंड बेसॉल्ट। जो सील्स होते हैं वो कॉमनली किसके बने होते हैं, डोलोराइट और बेसॉल्ट के, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लॉपोलिथ क्या होता है, वो एक सॉसर की तरह शेप वाला कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी होता है जिसके नीचे जो होता है बेसिन के शेप की तरह वो झुका हुआ होता है, ठीक है। और लैकोलिथ क्या होता है, क्या होता है, ये एक डोम की तरह का बॉडी होता है जिसका टॉप जो होता है वो उठा हुआ होता है डोम की तरह, और नीचे जो होता है उसका जो वो क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। तो इग्नियस में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज रॉक्स हैव बीन डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थ्रू द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय वेरियस नेचुरल एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर एट्सेट्रा। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक यानी कि जो भी इग्नियस होता है उसका इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जब नेचुरल एजेंसीज के द्वारा, विंड, वाटर या ग्लेशियर के द्वारा होता है, तब द लूज सेडिमेंट्स विच आर डिपोजिटेड अंडर गो द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आर नॉन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसकी वजह से नेचुरल एजेंसीज से ट्रांसपोर्ट होने की वजह से वो टूटते फूटते हैं और वो छोटे छोटे लूज सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब जब ये लूज सेडिमेंट्स जो हैं वो कहीं बेसिन में जा कर के जब वो कॉम्पैक्ट होने लगता है, एक दूसरे से जुड़ने लगता है प्रेशर की वजह से, तो उसके वजह से जो रॉक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, और ये आपका सेकेंडरी रॉक होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिपॉजिट दीज रॉक्स आर सब डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स। तो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे ये जो रॉक्स है आपका तीन तरह से भागों में बांटा गया है। पहला है मैकेनिकली डिपॉजिटेड जिसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, केमिकल प्रेसिपिटेशन जिसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, एंड ऑर्गेनिकली डिपॉजिटेड जिसका एग्जाम्पल है कोल और बॉग आयरन, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जनरली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड और कैरेक्टरिस्टिकली बेडेड एंड फॉसिल्स कॉमन। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं जनरली, मतलब आपके इग्नियस रॉक के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स तो जो होता है वो मैग्मा के ठंडे होने की वजह से बनता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन ये जब इग्नियस रॉक के टूटने फूटने की वजह से उसके लूज सेडिमेंट से बनते हैं ना, तो इसलिए सॉफ्ट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड होते हैं यानी कि उसमें बेडिंग बना रहता है, एक पहले से एक बेडिंग इस तरह डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिर से और एक लेयर आके डिपॉजिट हो रहा है, तो इस तरह से उसमें लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं। और इसलिए इसमें फॉसिल्स क्या होता है, कॉमन होता है, क्योंकि एक लेयर बना तो मान लीजिए फिर वहाँ पे आपको कुछ अवशेष मिल गया, फिर उसके ऊपर से और एक लेयर बना तो उसे दबा दिया, इस तरह से होता है, इसलिए इसमें फॉसिल्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओल्डर रॉक्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर एंड शियरिंग स्ट्रेस एट कंसिडरेबल डेप्थ इन द अर्थ सरफेस। तो मेटामॉर्फिक रॉक में जब, मतलब कि जब ये ओल्डर रॉक है, ज़रूरी नहीं है कि वो इग्नियस ही होगा, इग्नियस या सेडिमेंट्री कुछ भी हो सकता है या फिर मेटामॉर्फिक ही हो सकता है, तो उसमें जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से उसमें चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, और इसके एग्जाम्पल है नीज एंड क्वार्ट्जाइट। और इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड, इंटरलॉकिंग ग्रेन्स एंड बेडेड।
तो ये जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, क्योंकि अब उसके जो कंपोजिशंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आने लगता है, या फिर उसके जो टेक्सचर्स होते हैं उसमें चेंजेस आने लगता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें इंटरलॉकिंग ग्रेन्स होते हैं और बेडेड भी होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमने इग्नियस रॉक देखा था, इग्नियस रॉक जो हमने देखा उसमें वो बेडेड नहीं होते हैं, लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ये बेडेड होते हैं। एंड फॉसिल्स आर रियली प्रिजर्व इन रॉक्स ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन एक्सेप्ट स्लेट्स। तो फॉसिल्स इसमें आपको शायद ही देखने मिलेंगे जो कि सेडिमेंट्री ओरिजिन में होता है, लेकिन आपको स्लेट्स में फॉसिल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का होता है फॉर्म। अगर इग्नियस रॉक से अगर मेटामॉर्फिक बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो मेटामॉर्फिक, ठीक है, ऑर्थो मेटामॉर्फिक। अगर सेडिमेंट्री रॉक से कन्वर्ट होकर बन रहा है तब हम उसे क्या कहते हैं, पैरा मेटामॉर्फिक। और अगर मेटामॉर्फिक में से ही फिर से मेटामॉर्फिक चेंज हो रहा है, बन रहा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, बाई मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ऑर्थो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो आपका एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट से नीज बनना, गैब्रोस से एम्फीबोलाइट बनना, बेसाल्ट से ग्रीन सिस्ट या एम्फीबोलाइट बनना, इस तरह से एग्जाम्पल होंगे। और सेडिमेंट्री का बात करें तो, और सेडिमेंट्री की बात करें तो इसमें एरेनिशियस रॉक से क्वार्टजाइट बनना, आर्जिलिशियस रॉक से स्लेट या सिस्ट बनना, और कैलकेरियस से या कार्बोनेशियस से ग्रेफाइट बनना, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और मेटामॉर्फिक और बाय मेटामॉर्फिक का बात कीजिएगा तो इसमें आपका होगा सिस्ट, क्वार्टजाइट और हॉर्नफेल्स, ये सब आपका इसमें इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है डिप। डिप क्या होता है, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ रॉक बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड डिप। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग जो इंक्लिनेशन होता है रॉक बेड का, जो झुकाव होता है, तो वहाँ एंगल जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिप कहते हैं। और उसके बाद स्ट्राइक, द स्ट्राइक मे बी डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ बेडिंग प्लेन एंड अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बेडिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का जहाँ इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पे एक लाइन, डायरेक्शन ऑफ अ लाइन क्या होता है, फॉर्म करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। एंड द स्ट्राइक इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द ट्रू डिप डायरेक्शन। और ये क्या होता है, स्ट्राइक जो होता है वो हमेशा ट्रू डिप डायरेक्शन के राइट एंगल्स पे होता है, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है डिप एंड स्ट्राइक वाला में, तो अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वहाँ पे भी आप जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है फोल्ड्स। फोल्ड्स क्या होता है, फोल्ड्स में भी डिफाइंड एज अ कर्व और जिगजैग स्ट्रक्चर सोन बाय रॉक बेड्स। इस तरह के आपको जो जिगजैग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं किसी रॉक बेड्स में, उसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वेवी अंडुलेशंस इन द रॉक बेड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। तो वेवी अंडुलेशंस जो होते हैं, वेव की तरह जो होते हैं ना रॉक बेड्स में, उसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। फिर है फॉल्ट्स। फॉल्ट्स किसे कहते हैं, अ फॉल्ट मे बी डिफाइंड एज अ फ्रैक्चर अलॉन्ग विच ब्लॉक्स ऑफ रॉक हैव बीन डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर। फॉल्ट एक फ्रैक्चर होता है जिसके अलॉन्ग जो रॉक के जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव में ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट जो होता है जनरली दो तरह का होता है, पहला है नॉर्मल फॉल्ट। अ नॉर्मल फॉल्ट इज वन इन विच द हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू हैव मूव्ड डाउनवर्ड रिलेटिव टू द फुट वॉल। यानी कि मान लीजिए कि ये जो फुट वॉल था ना,
यहाँ पे मान लीजिए जैसे इस तरह का क्रॉप था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का था, तो यह तो आपका फुटबॉल था, यहाँ पर स्थिर था। तो जब इसमें फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ बीचों बीच, तो ये जो एरिया है वो आपका खिसक के कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। ये यहीं पर स्टेबल रहा, लेकिन ये बगल वाला राइट साइड वाला जो एरिया है वो आपको खिसक के कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो यही है आपका हैंगिंग वॉल। तो नीचे जाना जो होता है वो आप जान रहे हैं कि हम लोग जब ग्रेविटेशन वाला पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ क्या होती है, नीचे जाती हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा होता है वो है रिवर्स फॉल्ट। अ रिवर्स फॉल्ट इज वन इन विच द हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू हैव मूव अपवर्ड रिलेटिव टू द फुट वॉल। हाँ, और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका फुटबॉल था, तो इसमें जो है फुटबॉल तो यहीं पर स्थिर रहेगा, लेकिन जो आपका हैंगिंग वॉल है वो कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया, ये यहाँ से ऊपर की ओर चल जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर की वजह से। तो उससे हम क्या कहते हैं, उल्टा हो रहा, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसलिए सब हम क्या कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और पार्ट टू जब इसका आएगा उसमें मैं आपको कोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो रॉक्स हैं वो सारे रॉक्स आप एक एक बार देख लेना कि कौन कौन से रॉक्स होते हैं और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और उसके बारे में थोड़े से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेना, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आप फोल्ड एंड फॉल्ट एंड डिप एंड स्ट्राइक, तो ये तो मस्ट है, डिप एंड स्ट्राइक तो आपके पूछे ही जाता है, सो इस पे आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर लो कि डिप स्ट्राइक क्या होता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।